hello and welcome to our discussion on formal experimental research designs now in last lecture we talked about completely randomized designs today we will talk about randomized block design randomized block design ब्लॉक डिजाइन नाउ व्हाट इज अ ब्लॉक ब्लॉक क्या होता है कि जब हमारी पॉपुलेशन ऐसी है कि मैं उसको क्लियरली देख सकता हूं कि मैं इसको होमोजीनियस ग्रुप्स के अंदर बांट सकता हूं तो जब आप किसी को होमोजीनियस ग्रुप के अंदर बांट देते हैं कि ये सारे एक अलग एज ग्रुप के हो गए ये सारे टीन हो गए ये सारे यंगस्टर्स हो गए ये सारे मिडिल एज हो गए ये सारे ओल्ड एज हो गए अब ये क्या कर दिया आपने अपनी पॉपुलेशन के ब्लॉक्स बना दिए आइडिया अबाउट ब्लॉक इज के विद इन द ब्लॉक जो हमारे एक्स्ट्रीनियस वेरिएबल्स हैं वो कंसिस्टेंट रहते हैं वो सेम रहते हैं वो होमोजीनियस रहते हैं एक्स्ट्रीनियस वेरिएबल्स जैसे कि अगर मैं किसी की म्यूज़िक चॉइस पे कोई रिसर्च कर रहा हूं तो म्यूज़िक चॉइस पे जब रिसर्च करेंगे तो ऑब्वियसली जो यंगस्टर्स हैं टीन हैं उनका एक म्यूज़िक का पसंद का प्रेफरेंस का पैटर्न होगा वो यूट्यूब पर किस तरह के गाने देखते हैं उसका एक पैटर्न होगा ओल्ड एज जो हैं वो किस तरह के गाने देखते हैं उसका एक पैटर्न होगा ब्लैक एंड व्हाइट देखते होंगे या भजन देखते होंगे मिडिल एज जो है वो हो सकता है नाइन्टीज के गाने देखते हो टीन जो हैं वो हो सकता है बिल्कुल नए ये जो हिप हॉप पंजाबी रीमिक्स ये सब देखते हो तो आइडिया इज मैंने क्या किया जब म्यूजिक प्रेफरेंस पे ही बात करनी थी तो पॉपुलेशन का एक ऐसा पैरामीटर उठाया जिसके कारण फर्क आ सकता है तो मैंने उस फैक्टर के हिसाब से उनको बांट दिया अब क्या हो गया I have blocks which are completely homogeneous in nature on terms of that extraneous variable. हाँ अगर मैं समझदारी की बात करूँ तो वो सबसे बुजुर्ग वालों में अलग होगी हो सकता है कि जो मिडिल एज है उनके अंदर ज्यादा हो जो बिल्कुल बुजुर्ग वाले हैं उन्होंने हो सकता है इतनी टेक्नोलॉजी नहीं देखी है तो उनका इतना समझ नहीं है अभी तो डिफरेंसेस हो सकते हैं टीन में समझ नहीं है सबसे बड़े उम्र वालों में समझ नहीं है जो मिडिल एज है जो अभी पढ़ करके निकले हैं ग्रेजुएशन की है जो अभी इंटरनेट यूज करते हैं टेक्नोलॉजी यूज करते हैं उनमें हो सकता है ज्यादा नॉलेज हो एटलीस्ट अभी के के अफेयर्स बारे में टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा नॉलेज हो तो इज हम हर एक फैक्टर पे उसको होमोजीनियस नहीं मान रहे हैं। जो एक्सट्रीनियस फैक्टर मेरे लिए इंपैक्ट डाल सकता है उसको तो एटलीस्ट हमने होमोजीनियस कर दिया दैट इज अ ब्लॉक जैसे कि हम एक एग्जाम्पल एक लेते आए हैं बार बार लॉन्ग जंप की ट्रेनिंग का तो अब अगर हम उस लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस की ही बात कर रहे हैं तो वट एल डू इज कि मैं इनको एज के हिसाब से बांट देता हूँ जीरो टू फाइव एक कर देता हूँ फाइव टू टेन एक कर देता हूँ टेन टू फिफ्टीन एक कर देता हूँ फिफ्टीन टू ट्वेंटी एक कर देता हूँ अब जो हमारे को बार बार एक डाउट होता था कि इसकी एज ज्यादा के कारण ये ज्यादा कूदने लग जाएगा तो वो डाउट न्यूट्रलाइज हो गया क्योंकि जो पांच से दस के हैं ऑलमोस्ट उनकी एक टाइप की एज है एक टाइप की हाइट है और जो दस से पंद्रह के हैं उनकी एक टाइप की एज है एक टाइप की हाइट है एक टाइप की एजिलिटी है तो उनका बिहेवियर किस तरह से रहेगा सेम रहेगा क्योंकि एज वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी क्रूशियल फैक्टर इन लॉन्ग जंप क्योंकि जैसे जैसे एज होती है हाइट भी बढ़ती जाती है अब हाइट बढ़ने के साथ ऑब्वियसली उसकी कूद जो थी जंप जो था वो बेटर होने लग गया था तो हमने यहां पे ब्लॉक बना दी फिर अगर आपको याद आ रहा है तो हमने एक लेक्चर के अंदर जोग्राफिकल स्प्रेड ऐसा कुछ लिया था जहां पर वी हैड रोड रेल रिवर एंड इंडस्ट्रीज ऐसा भी कुछ लिया था हमने अब यहां पे क्या हो रहा है कि ये सबका एक अलग अलग बिहेवियर रहेगा जो रिवर के नजदीक है उनका एक अलग बिहेवियर रहेगा जो इंडस्ट्री के नजदीक है उनका एक अलग बिहेवियर रहेगा तो आप अपना क्राइटेरिया देख लीजिए कि किस क्राइटेरिया पे आप स्टडी कर रहे हैं अगर आप यही देखना चाहते हैं कि रिवर और इंडस्ट्री यहां पे फर्टिलिटी कम होगी लैंड की जबकि रिवर के नज़दीक फर्टिलिटी ज्यादा होगी तो हम ये वाले ब्लॉक्स बना देते हैं अब ये जो ब्लॉक्स बन गए हैं ऑब्वियसली ये जो हमारा ब्लॉक वन है ये रिवर के बहुत नज़दीक है और इसके अंदर जो रिवर के बेनिफिट्स आने हैं फर्टिलिटी के अंदर इंप्रूवमेंट्स आने हैं वो इस पूरे ब्लॉक के अंदर कंसिस्टेंट रहेंगे पूरे फर्स्ट ब्लॉक में वो कंसिस्टेंट रहने वाले हैं और इंडस्ट्री के जो पोल्यूशन के आने वाले हैं वो पूरे फोर्थ ब्लॉक के अंदर वो इफेक्ट सेम रहेगा तो जहां तक हमारा फर्टिलिटी का रिवर और इंडस्ट्री का था उसमें अगर हम इस तरह के ब्लॉक्स बना देते हैं तो दे लुक वेरी कंसिस्टेंट कि फर्स्ट पूरे के, के अंदर एक जैसी फर्टिलिटी रहने वाली है फोर्थ पूरे में एक जैसी फर्टिलिटी रहने वाली है सेकंड पूरे में एक जैसी रहेगी और थर्ड पूरे में एक जैसी रहेगी तो दिस इज द आइडिया बिहाइंड रेंडामाइज ब्लॉक डिजाइन रेंडामाइज ब्लॉक डिजाइन को तो हम देखते हैं ब्लॉक का ही आइडिया है ऐसे ग्रुप्स में बांट दो जहां वो होमोजीनियस हो वो जो एक्सट्रीनियस फैक्टर है अब हम चेक तो क्या कर रहे थे कि फर्टिलाइजर कैसा है चेक तो हम क्या कर रहे थे कि इस पर्टिकुलर जो हम क्रॉप लगाया है वीट लगाया है जो जो भी सीड हम यूज कर रहे हैं उसकी कैसी है फर्टिलिटी उसकी ईल्ड कैसी है तो हम चेक तो सीड की ईल्ड को करना चाह रहे थे लेकिन हो क्या गया कि हमारे लैंड स्ट्रक्चर्स ही अलग अलग हैं कहीं पे लैंड फर्टाइल है कहीं पे लैंड थोड़ी सी कम फर्टाइल है तो स्टडी तो करना चाह रहे हो फर्टिलाइजर को स्टडी तो करना चाह रहे हो सीड की यील्ड को लेकिन लैंड का भी इफेक्ट आ रहा है तो रेंडमाइज ब्लॉक डिजाइन के अंदर ये जो ब्लॉक्स हैं ये क्या होते हैं होमोजीनियस एरियाज होते हैं तो अगर फील्ड है तो इस तरह से ओमोजूनिटी आ गई हाँ अगर हम वर्ल्ड पे कोई रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें आप कंट्री लेवल पे उसको डिवाइड कर दो तो वहां ओमोज्यूनिटी आ जाएगी कि एक पर्टिकुलर कंट्री का रहने का एक तरीका होता है लैंग्वेज एक होती है तो उस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं सिटी की कंट्री की बात कर रहे हैं एजुकेशन लेवल पे डिवाइड कर सकते हैं एज पे डिवाइड कर सकते हैं अगेन इट रेस्ट ऑन कि आपका एक्सट्रीनियस वेरिएबल क्या रहने वाला है आपके रिसर्च में ऐसे कौन से एक्सट्रीनियस फैक्टर्स होंगे जो इम्पैक्ट लाएंगे होते तो बहुत सारे हैं सारे फैक्टर्स एक्सट्रीनियस फैक्टर्स हैं एक्सट्रीनियस वेरिएबल्स हैं लेकिन मेरी रिसर्च पर इनका इम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा जैसे मेरी रिसर्च पे जो हाई जंप की लॉन्ग जंप की रिसर्च हो रही है उसमें हाइट का फैक्टर का इम्पैक्ट आता है एज का नहीं आता है क्योंकि एज की अगर बात करें तो 60 साल वाला 16 साल वाले से ज़्यादा कूदेगा अ पर्सन विद 60 ईयर्स विल बी एबल टू जम्प मोर देन 16 ईयर्स पर ऐसा तो नहीं होता है उसकी एज ज़्यादा है हमारे वाला जो एक्सपेरिमेंट है उसमें हाइट इज एन एक्सट्रीनियस फैक्टर वहीं पर अगर कोई हमारा सात आठ साल का बच्चा है जिसने हाइट अच्छी निकाल ली है तो वो बारह साल के बच्चे से भी ज़्यादा कूद जाएगा तो इसका मतलब एज इज़ नॉट एन इंपॉर्टेंट फैक्टर राधर हाइट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इसीलिए आपने देखा होगा कि क्राइटेरिया नहीं लेते हैं राधर किसको लेते हैं वेट को क्राइटेरिया लेते हैं हाइट को क्राइटेरिया ले लेते हैं ले ले हाइट के हिसाब से क्या डिसाइड कर लेते हैं हम जूनियर है सब जूनियर है मेजर है फाइन तो रेंडमाइज ब्लॉक डिजाइन तो ब्लॉक क्या हो गए वो रैंडम ब्लॉक block, वो ब्लॉक्स क्या हो गए वो होमोजीनियस ग्रुप्स हो गए स्कूल्स के अंदर जैसे हमारे बंटे हुए होते हैं मिनिम्स होंगे जूनियर्स होंगे सब जूनियर्स होंगे सीनियर्स होंगे तो सीनियर्स क्या हैं वो सारे के सारे बड़े हैं जो जूनियर्स हैं या सब जूनियर्स हैं वो थोड़े छोटे हैं और सब जूनियर्स है, हैं वो बिल्कुल छोटे हैं हाइट में भी छोटे हैं एक्सपीरियंस में छोटे हैं तो उस तरह से हम होमोजीनियस ब्लॉक्स बनाते हैं तो ब्लॉक इज अ ग्रुप विच इज़ होमोजीनियस विद इन इट सेल्फ कॉर्डिंग टू द एक्सट्रीनियस फैक्टर किस तरह से होमोजीनियस है कि वो जो एक्सट्रीनियस फैक्टर है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे इस ग्रुप के अंदर होमोजीनियस है तो अब हम बात करते हैं कि रेंडमाइज ब्लॉक डिजाइन किस तरह से चलता है? इसके अंदर हम क्या करते हैं ब्लॉक कितने बनेंगे ब्लॉक तो उतने बनेंगे जितने में मैं उस एक्सट्रीनियस फैक्टर के हिसाब से अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड कर सकता हूं तो उतने तो हमारे ब्लॉक्स बन जाएंगे और उसके बाद कॉलम्स कितने बनेंगे इसका डिजाइन कुछ ऐसा रहेगा वन टू थ्री फोर फोर ट्रीटमेंट्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स ब्लॉक्स सो द आइडिया इज कि जो हमारा कंप्लीट पॉपुलेशन है उसको हम किस तरह से बांट देंगे एक मैट्रिक्स के स्ट्रक्चर में बांट देंगे इन टू रोज एंड कॉलम्स हाँ अब उसके अंदर आप कैसे भी ले सकते हैं हमने क्या ले लिया रोज के ऊपर ट्रीटमेंट्स ले लिए ट्रीटमेंट वन ट्रीटमेंट टू ट्रीटमेंट थ्री ट्रीटमेंट फोर और ब्लॉक्स कहां ले लिए ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ब्लॉक 5 एंड ब्लॉक 6. तो इसका आइडिया समझ लें हो सकता है कि मैं इधर ब्लॉक कोई जना इधर ब्लॉक्स ले ले और कोई इधर ट्रीटमेंट्स ले ले दैट इज ओके नो इश्यूज बट एक मैट्रिक्स में जमा हुआ होगा रोज एंड कॉलम्स के अंदर हमारा अपने पॉपुलेशन को हम डिवाइड कर देंगे हाँ अब ब्लॉक्स कितने होंगे ब्लॉक्स विल बी इक्वल टू तो नंबर ऑफ होमोजीनियस ग्रुप्स दैट यू कैन कैटेगराइज बेस्ड ऑन एक्सट्रीनियस वेरियबल जैसे कि हम अपना लॉन्ग जंप वाला अगर केस लेते हैं तो लॉन्ग जंप वाले में क्या हो सकता है कि एक तो ऐसे होंगे जो पांच दस से ऊपर की हाइट के होंगे क्योंकि पांच दस है पांच ग्यारह है छह है छह एक छ दो है तो वो सब एक ग्रुप हो जाएंगे तो उस केस में हमारे पास एक ब्लॉक कौन सा हो गया फाइव टेन प्लस उससे नीचे फिर मैं एक ग्रुप क्या बना सकता हूं फाइव फोर टू फाइव टेन और एक हो जाएगा फाइव फोर से छोटे वाले तो हो सकता है कि मेरे ये तीन ब्लॉक्स बन जाए तो इट डिपेंड्स कि आपकी क्वेरी कैसी है हां अब मैं अगर यहां पे इन दो को मिक्स करने की कोशिश करूं तो रिजल्ट्स मेरे पास हो सकता है थोड़े से कॉन्फ्लिक्टिंग आने लग जाए क्योंकि इन लोगों का तो जंप वैसे ही बन रहा है ये तो हाइट में ज्यादा है तो इनका तो जंप वैसे भी बड़ा होगा इनका तो एक स्टेप भी बड़ा है तो हमने क्या किया ऐसा एक ब्लॉक बना दिया इनका एक ब्लॉक बना दिया इनका एक ब्लॉक So न है में अपन, इसके बारे में हमने डिस्कस कर रखा है ये जो भी वीडियो हम कर रहे हैं ये सारे एक प्लेलिस्ट के अंदर कैटेगराइज है तो यू कैन गो आउट एंड चेक दो प्लेलिस्ट उसका लिंक अपने अब से मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा तो उस प्ले को आप जाकर के देख सकते हैं जैसे अगर यहां पर कोई अपने को टर्म समझ में नहीं आ रही है या डाउट हो रहा है तो यू कैन गो आउट एंड चेक टर्म्स इन दैट प्लेट तो एक्सट्रीनियस वेरिएबल्स कौन से होते हैं कि बाहर के वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम स्टडी नहीं कर रहे हैं लेकिन उनका इंपैक्ट आता है जैसे मैं तो किसको स्टडी कर रहा हूं कि मेरी कोचिंग से जंप कितना हो रहा है लेकिन उसके अंदर हाइट का भी तो इफेक्ट आता ही आता है तो हाउ कैन आई डिनाई द इफेक्ट ऑफ हाइट तो वो हाइट क्या हो गया एक्सट्रेनियस वेरिएबल हो गया मैं हाइट को नहीं स्टडी कर रहा हूं हां मेरी एक स्टडी ऐसी भी हो सकती है कि कितनी हाइट वाले कितना जंप करते हैं को रिलेशन निकालने की कोशिश करो उस केस में वो जो हाइट है वो क्या बन गई मेरी एक्सट्रेनियस वेरिएबल नहीं रही उस केस में तो वो मेरा एक वेरिएबल बन गई कॉज इफेक्ट देख रहा हूं कि हाइट का जंप पे कितना इफेक्ट है तो ऐसा नहीं है कि एक वेरिएबल हमेशा एक्सट्रेनियस ही रहेगा डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ क्वेरी अभी मैं क्या पूछ रहा हूं इस ट्रेनिंग से जंप होता है या नहीं तो आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेनिंग

या ट्रीटमेंट्स देने शुरू किए अलग अलग हमारे पास ट्रीटमेंट्स हैं तो हम क्या कर सकते हैं इनफैक्ट यहां पे ये T1 T2 T3 T4 नहीं होता है कि जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं उतने आपको रोज रखने होंगे और जितने ब्लॉक्स हैं हाँ ब्लॉक्स के तो हमने नेम्स कर दिए B1 B2 B3 B4 B5 B6 अब इसके अंदर चारों सीड्स डाले जाएंगे तो अस से कि हमारे पास कौन कौन सी तरह के सीड्स हैं वन टू थ्री एंड फोर चार तरह के सीड्स हैं तो विद इन फर्स्ट ब्लॉक जहां पे फर्टिलिटी सेम है मैं किसी भी तरह से डाल सकता हूं रैंडमली सेकंड ब्लॉक जो इस फर्टाइल लैंड से थोड़ा सा दूर है रैंडमली डाल दिए कंप्लीटली रैंडमली डाल दिया दिस इज रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि ब्लॉक्स कैसे बनाए जाएं कितने बनाए जाएं। तो कितने ब्लॉक्स होंगे आपका जो एक्सट्रीनियस वेरिएबल है उसको आप अपनी पॉपुलेशन के अंदर देख लीजिए कि कितनी तरह से इंपैक्ट कर सकता है कितनी तरह से उसको हम अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड कर सकते हैं इंटू ग्रुप्स सच दैट कि विद इन दैट ग्रुप वो एक्सट्रीनियस वेरिएबल होमोजीनियस हो जाए विद इन दैट ग्रुप उस एक्सट्रीनियस वेरिएबल का factor. इफेक्ट खत्म हो जाए जब हमने सभी जने पांच दस से ऊपर के ले लिए तो अब उनकी कुछ भी एज हो जाए कुछ भी हो जाए वो जो एक्सट्रीनियस वेरिएबल एक था कि भाई मेरे को एक डाउट था कि ज्यादा हाइट वाला ज्यादा कूदता है सभी जने ज्यादा हाइट के दैट इज द आइडिया बिहाइंड ब्लॉक तो कितने ब्लॉक्स होंगे सच दैट विद इन दैट ब्लॉक वो एक्सट्रीनियस वेरिएबल होमोजीनियस हो जाए और फिर जहां ट्रीटमेंट्स की बात आई तो हम उसके रोज कितने रख रहे हैं अदर वे अगर कोई जना लिख रहा होता तो कॉलम्स लिखता कितने रखेगा जितने ट्रीटमेंट्स अब मैं गया इस ये जो हमने एक लैंड की स्ट्रिप निकाली थी एक ब्लॉक बनाया था इसमें कहीं पे मैंने सीड वन डाल दिया कहीं टू कहीं थ्री कहीं फ़ोर कंप्लीटली रैंडम अगले में फिर कहीं रैंडम वन अगले में फोर वन थ्री टू डाल दिया अगले में वन फोर टू थ्री डाल दिया तो कंप्लीटली रैंडमली डाल दिया अब हमारे पास जब रीडिंग्स आ जाएंगी तो मेरे को पता है कि मैंने वन कहाँ कहाँ पर लगा रखा है तो मैं सब जगहों के वन की ईल्ड ले लूँगा और एवरेज यूज़ कर लूँगा सब जगह से टू की ईल्ड ले लूँगा एवरेज यूज़ कर लूँगा तो उस तरह से हम इम्पैक्ट को स्टडी कर सकते हैं तो अगर आप यहां देखें कि इसमें कौन कौन सी चीजें फुलफिल हो गई ये था हमारा रेंडमाइज ब्लॉक डिजाइन तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें रेप्लीकेशन तो आ गया कंट्रोल आया या नहीं आया कंट्रोल तो आ गया ये जो ब्लॉक्स बने हुए थे ये खुद ही किस लिए बने हुए थे कंट्रोल के लिए ही तो बने हुए थे व्हाट इज कंट्रोल कंट्रोल है कि अगर कोई आपका एक्सट्रीनियस वेरिएबल का इंपैक्ट है जिसको आप हटा ही नहीं सकते हो तो फिर उसको आ जाने दो और फिर हम उसको स्टडी कर लेंगे तो मेरे को पता था कि लैंड के अंदर कैसे कैसे डिफरेंसेस आ सकते हैं तो अब मैंने उसको रिजेक्ट नहीं किया मैंने उस कंट्रोल को उस एक्सट्रेनियस फैक्टर को अपनी स्टडी में लेते हुए अपने ब्लॉक से इस तरह से बना दिए कि वो एक्सटेनियस का फैक्टर इफेक्ट हट जाए तो इसका मतलब यहाँ पे कंट्रोल भी आ गया रेंडमाइजेशन तो डेफिनेटली है जिस तरह से हमने सीड्स डाले हैं किसी ग्रुप में वन टू थ्री फोर है किसी में फोर वन थ्री टू है किसी में फोर टू वन थ्री है तो रैंडमाइजेशन है तो वी हैव रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं यू विल सी के डिजाइन इट के अंदर इतनी सॉलिडेरिटी बिल्ड हो जाएगी कि अपने आप उसके अंदर रेप्लीकेशन भी आने लग जाएगा रेंडमाइजेशन भी आने लग जाएगा एंड कंट्रोल भी आने लग जाएगा रेप्लीकेशन इसके अंदर आ गया या नहीं आ गया रेप्लीकेशन आ गया जो हमारा ट्रीटमेंट वन है उसको मैंने कितनी बार ट्राई किया लिया एक दो तीन चार पांच छ अलग अलग टाइम्स ट्रीटमेंट बी को टू को कितनी बार ट्राई कर लिया तो रेप्लीकेशन भी है बहुत बार कर रहे हैं रेप्लीकेशन यही तो होता है कि एक एक्सपेरिमेंट को एक ही जगह मत ट्राई कर दो बार बार उस एक्सपेरिमेंट को करो यू हैव ट्राइड इट इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स अलग अलग जगहों पर हो सकता है किसी पर्टिकुलर लैंड के लिए कोई पर्टिकुलर फर्टिलाइजर अच्छा हो किसी पर्टिकुलर लैंड के लिए कोई पर्टिकुलर सीड अच्छा हो तो मैंने तो अब हर जगह हर चीज़ को ट्राई कर लिया तो हमारे पास रेप्लीकेशन भी आ गया है कंट्रोल तो कंट्रोल इज बींग ब्रॉट इन मीन ऑफ ब्लॉक्स जब आपने ब्लॉक्स बना दिया तो आपने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया कंट्रोल जब आपने उनमें रेंडमली सीड्स डाल दिए तब आपने क्या इंट्रोड्यूसमाइजेशन और जब आपने एक सीड को एन नंबर ऑफ टाइम्स इंट्रोड्यूज रेप्लीकेशन सो दिस इज आर रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन बड़ी ही सिंपल डिजाइन है बस ये ध्यान रहे कि ब्लॉक्स क्या है ब्लॉक वो है जो एक ग्रुप बना देते हैं ब्लॉक्स आर ग्रुप्स विद इन विच The extraneous factor can be assumed to be homogeneous. Impact of extraneous factor can be assumed to be homogeneous. So, this is it for our randomized block design. Next time when we meet, we will talk about Latin square. So, this was it for our today's discussion. Thanks for watching. Bye bye.